fashion quotient hai. Who gives you this kind of ideas? I wore a similar top, if you guys remember, जिसपे बहुत ज़्यादा controversy हुई थी, तो मैंने उसी टॉप पे एक साड़ी डाल ली. That's it. और ये भी कहना चाहूँगा, giving a bold statement or you know having this kind of a fashion sense, does it help out in the long run? आपको लगता है आपका? I don't care if it helps. I have never thought that ways. I wear what I want to wear. Like, why do you eat? You eat because you want to live. This is how I am. I don't really इतना सोचती होती ना मैं. तो फिर तो please हाँ. कहाँ ही होती. Okay, so today you have came here for a photo shoot. So you would you like to say something about it? ये तो रोज़ ही करवाती हूँ मैं, उसमें क्या हो गया? आज क्या special है? कुछ नहीं. थीम नहीं, ऐसे कोई थीम नहीं है. मोस्टली इंडियन एंड साड़ीज़ आई एम डूइंग टुडे. एंड रिसेंटली व्हेन यू वेंट टू एयरपोर्ट वेयर यू वोर द टी-शर्ट अ लॉट जावेद अख्तर ग्रैंडडैडो, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? दैट वेंट वेरी वायरल. उस टी-शर्ट के बाद कुछ बोलने की जरूरत है? उस टी-शर्ट ने सब बोल दिया था. आफ्टर योर क्यू राउंड देयर वाज वन गाय आस्किंग यू अबाउट इट द सेम क्वेश्चन व्हिच यू हैव रिपीटेड. मैं मर भी जाऊंगी तेरे शब्द शायद तब भी कोई ना हुए, एक बंदा तो पूछेगा मेरी कबर पे कि अरे ये जावेद अख्तर की पोती की डेथ हो गई. सो देयर अ लॉट ऑफ डम पीपल इन दिस वर्ल्ड. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यूई राउंड. तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जो आपने शेयर नहीं किया पर बहुत वियर्ड था? यू नो हाउ मेनी पीपल फॉलो मी, यू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आई गेट, यू नो हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सप्लिसिट. मैंने शायद लाखों शेयर नहीं किए हैं बिकॉज़ आई कांट, इट्स नॉट अलाउड ऑन इंस्टाग्राम. और ये भी कहना चाहूंगा, एक ब्रोलर ने शिकायत करने की बात की, तो डू यू फेयर एनीथिंग इन लाइफ? आपकी पर्सनालिटी को देखकर लगता है कि डू यू फेयर एनीथिंग? आपने फेयर क्या फेयर लगता है आपको किसी ब्रोलर से? किस चीज से? कोई शिकायत करे आपके? शिकायत मेरे अब्बा थोड़ी है कोई, मेरी सास है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा रैंडम लोगों के कमेंट से? इंस्टाग्राम ना हो गया 1920s की सास हो गई भाई, कोई ना कोई कुछ टॉन्ट करके चला ही जाता है, डर क्यों लगेगा मुझे? और क्या कुछ है पाइपलाइन में, जैसे बात करूं मैं पहले भी पूछ बैठूंगा बिसाइड बीइंग नॉट यार मैं ना अपने काम वाम का नहीं बताती, जब आएगा तुम लोग देख लोगे. अभी चार बातें बोल दूंगी कैंसिल हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, मैं कुछ नहीं बता रही, जब जैसे जैसे आएगा आप देख लोगे. बट यू वेयर द टॉकिंग पॉइंट ऑफ 2021. आई दैट्स गुड थिंग एंड आई होप टू बी द टॉकिंग व्हाटएवर ऑफ 2022 3 4 व्हेन टिल द टाइम आई एम अलाइव. एंड व्हाट काइंड ऑफ बेंचमार्क डू यू वांट टू सेट? आई डोंट नो. I don't know, man. I'm just doing myself. Nothing. That's and Big Boss has extended to. यार Big Boss के questions कोई नहीं पूछेगा. बिल्कुल भी नहीं. I hate Big Boss. Yes, I hate. मुझे नहीं बुलाया ना दोबारा. मैं क्यों उनके free की publicity करूँ? मेरा हो गया. But मैंने बहुत publicity कर दी. आप प्रतीक को काफी support कर रहे थे. हाँ अच्छा लड़का है वो. और अभी बिग बॉस दो हफ्ते एक्सटेंड भी हो गया, क्या लगता है आपको क्या कौन जीतेगा? अभी बहुत सारे शमिता शेट्टी के बारे में मैं अपना इवेक्शन तो बता नहीं पाई थी कि मैं एक हफ्ते में आउट हो जाऊंगी, मैं कौन होती बताने वाली? कौन जीतेगा मैं जानना चाहूंगा. फानूस बहुत बड़े स्टार है इंडिया के, उनका उनकी वाइफ का सेपरेशन हुआ है, मतलब डाइवोर्स हुआ 18 साल के बाद. और रामू जो है राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मैरिज जो है आज के जमाने में ज्यादा दिखती नहीं, और इस चीज से सबक लेना चाहिए यंगस्टर्स को. रिसेंटली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज टिकती नहीं है बिकॉज़ वुमेन आर नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम मेन. ओके we are not ready to be in a domestic abusive relationship. Agar do log ki nahi banti hai, they should fucking move on instead of sticking together, because society kya bolegi? Who the fuck is Ram Gopal Varma to speak in between Dhanush and his wife? Whatever. And do you think that was a nonsense comment? I just said that who the fuck is Ram Gopal Varma to speak on Dhanush and his wife. Would you like to add something about your upcoming project? अभी मैंने दो मिनट पहले बोला कि भाई जब मेरा प्रोजेक्ट आएगा आप देख लोगे. मैं नहीं बोलना चाहती, अब सेम क्वेश्चन रिपीट करो. चलो बाय बाय. थैंक यू थैंक यू.